लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। न्यूजीलैंड के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट ने रविवार को कहा कि वे विराट कोहली को लय में नहीं आने देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उनके खिलाफ बाउंसर का इस्तेमाल किया और भारतीय कप्तान कोहली को पवेलियन का रास्ता दिखाया। कोहली 43 गेंद में 19 रन की पारी खेलने के बाद बोल्ट की गेंद को हुक करने की कोशिश में विकेटकीपर बीजे वाटलिंग को कैच दे बैठे। भारत ने तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक दूसरी पारी 4 विकेट पर 144 रन बनाए और टीम अब भी न्यूजीलैंड के पहली पारी के स्कोर से 39 रन पीछे है। बोल्ट ने तीसरे दिन के खेल के बाद कोहली के खिलाफ रणनीति का खुलासा करते हुए कहा, उनकी टीम के कुछ अन्य खिलाड़ियों की तरह विराट को भी पसंद है कि गेंद बल्ले पर आए। निश्चित तौर पर जब हम चूक करते हैं तो वे बाउंड्री जड़ देते हैं। हमारे नजरिए से हम इस पर रोक लगाने का प्रयास कर रहे थे और निजी तौर पर मेरे लिए क्रीज का इस्तेमाल करना और शॉर्ट गेंद फेंकना अच्छी योजना थी जिससे कि उनकी रन गति पर लगाम लगाई जा सके। बोल्ट ने साथ ही तेज गेंदबाज काइल जेमिसन को भी श्रेय दिया जिन्होंने राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए शॉर्ट गेंदों से कोहली के बल्ले को खामोश रखा। बोल्ट ने कहा कि आजकल लाल गेंद काफी स्विंग नहीं करती और इसलिए कोण बनाने के लिए उन्हें रणनीति बदलनी पड़ी। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि फायदे की स्थिति यह रही कि मैं बेसिन रिजर्व पर काफी क्रिकेट खेला हूं। आम तौर पर हवा से निपटना सबसे मुश्किल होता है, लेकिन अगर मैं कोण में बदलाव करूंगा और बल्लेबाज को जो मैं कर रहा हूं उसके साथ सामंजस्य नहीं बैठाने दूं तो इससे लय बिगड़ती है। 30 वर्षीय यह तेज गेंदबाज विकेट से खुश है और उन्होंने कहा कि अच्छी लाइन और लेंथ से गेंदबाजी करके वे न्यूजीलैंड को अच्छी स्थिति में पहुंचाने में सफल रहे।